और चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने सूबे के कानून व्यवस्था और ड्रग्स की समस्या पर सरकार को घेरा, तो वहीं फरीदकोट से कांग्रेस सांसद मोहम्मद सदीक ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने दोनों ही मामलों में केंद्र सरकार की भूमिका को अहम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमांत प्रदेश होने के नाते केंद्र सरकार को इन मामलों में राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। फरीदकोट से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद सदीक साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, बॉर्डर एरिया से ताल्लुक रखते हैं आप, जिस तरीके से ड्रोन की एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं, कानून व्यवस्था लगातार यहां पर कांग्रेस आपकी पार्टी भी कह रही है कि चरमरा चुकी है, सांसद होने के नाते किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पंजाब स्टेट जो है वो बॉर्डर पर है, और जब भी किसी बाहर के आदमी ने हमला किया है तो सबसे पहले पंजाब पर हुआ है। हम लोग पहले से ही इन हालातों में रहना भी सीख गए हैं और जूझते भी हैं। दूसरी बात यह है, चिंता की बात तो होती है जब सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग अमन चाहते हैं, और उसके बाद ऐसा होता है कि कानून व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं हो रहा। उसकी वजह एक ये भी है कि सेंट्रल सरकार पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल सरकार जैसे और प्रांतों को सब कुछ दे रही है, वो पंजाब को भी उतना ही दे और इसकी सुरक्षा का भी उतना ही इंतज़ाम करे। खैर, अभी मैंने आज ही पढ़ा है कि कुछ CRPF की उन्होंने कंपनियां भेजी हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ख्याल करना, ज़रूरी है ध्यान रखना। अरे, कंपनियों की तरफ से जब हमारे पंजाब में ड्रोन से मतलब नशा भी आ रहा है और ये हथियार भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डर पर हमारे लोग रहते हैं और जो केंद्र की सरकार है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, केंद्र भी कह रही है कि हमारी नज़र है पंजाब पर, और जो राज्य सरकार है, लगता है आपको कि सहयोग से चल रही है केंद्र के और राज्य सरकार सक्षम है कानून व्यवस्था? मैडम ईशा, कला ये कहने से काम नहीं चलता कि हमारा ध्यान है, हमारा ख्याल है। बात यह कि एक बात होती है कहने की, एक बात होती है करने की। केंद्र कर क्या रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कर क्या रहा है। कहने को तो वो सब कुछ कहते हैं कि हमारा सारे मुल्क पर ध्यान है, पर कहाँ पर क्या हो रहा है इसके लिए न तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो ना ही होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, जिनकी ये ड्यूटी है कि सारे मुल्क की रक्षा उनके हाथ में है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना, क्योंकि संघीय ढांचा है, सबसे जिम्मेवारी तो पहली जिम्मेवारी उनकी है, उसके बाद हमारी है। धन्यवाद सर। मोहम्मद सदीक साहब फरीदकोट से सांसद हैं कांग्रेस के और सीनियर नेता भी हैं, जिनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमरा चुकी है पंजाब में, और बॉर्डर की अगर बात करें, ड्रोन और हथियार जिस तरीके से लगातार उनकी तस्करी हो रही है, तो ऐसे में इनका कहना है कि केंद्र को ज़रूरत है ज़्यादा पंजाब की ओर ध्यान देने की, और केंद्र को यहाँ पर सहयोग करना चाहिए राज्य सरकार का, तभी स्थिति को यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।